अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन के मुताबिक बताता हूँ कि कौन सा बीमारी के लिए आप कौन सा एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक के मुख्तलिफ अकसाम होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर देते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर देते हैं। दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की होती है, दूसरा ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है इनको खत्म करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल हो जाता है इनको एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन कहा जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको ये बताता हूं कि कौन सा बीमारी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप प्रॉपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें और बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एंटीबायोटिक की यूजेस को देखा जाए कि कौन सा बीमारी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा, तो इसमें जो टॉप एंटीबायोटिक आते हैं और पेनिसिलिन ग्रुप है, जो पेनिसिलिन ग्रुप में एंटीबायोटिक है और एमोक्सिसिलिन है, जैसा एमोक्सिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये मेडिसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है इसकी, इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल, जैसा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यानी अगर आपकी गले में जो इन्फेक्शन होती है, टॉन्सिलाइटिस होती है, साइनोसाइटिस होती है, ओटाइटिस मीडिया होती है, यानी कान नाक में जो इन्फेक्शन होती है, गले में जो इन्फेक्शन होती है, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होती है, जो ब्रोंकाइटिस होती है, खांसी होती है, बलगम होती है, तो इनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन होती है, जख्म बने हुए हैं, इन सारी कंडीशन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर जो लोग एमोक्सिसिलिन ग्रुप से रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए और एंटीबायोटिक आते हैं जो एमोक्सिल ग्रुप से इसका ताल्लुक है, इसका नाम है कोएमोक्सिक्लेव, जो केलामॉक्स और अग्मेंटिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें क्लेवेनेविक एसिड और एमोक्सिसिलिन शामिल है। ये सिमिलर जो एमोक्सिल ग्रुप है इस तरह ये भी काम कर देते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वह है एजिथ्रोमाइसिन, जो मैक्रोलाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये जो मेडिसिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है इसकी। ये स्पेशली गले में जो इन्फेक्शन होती है, साइनस में जो इन्फेक्शन होती है, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होती है, नमोनिया होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, स्पेशल स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, एक्ने होती है, पिंपल्स होती है, ओड्स और जख्म बने हुए हैं, इनके लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है और सेप्रोप्लाक्सिसिन है, जो क्विनोलोन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है इसकी। ये स्पेशली यूटीआई में, टाइफाइड फीवर में, अगर आपके पेशाब में जलन है, जख्म है, आपकी पेशाब जल जाती है, सोजस है, किडनी यूरेट्रा और ब्लडर में जो इन्फेक्शन है, या स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, स्किन में जो इन्फेक्शन, बोन और जॉइंट में जो इन्फेक्शन होते हैं, इनके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है इस मेडिसिन का। साथ इसके बाद जो मेडिसिन आती है वह है लिवप्लाक्सिसिन, ये भी क्विनोलोन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और स्पेशल ये लंग इन्फेक्शन में बिल्कुल जबरदस्त और अच्छा मेडिसिन है, जैसे अगर आपको नमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, खांसी हो, बलगम हो, खुश खांसी हो या बलगमी खांसी हो, जो अगर साथ ही अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो या आपको टॉन्सिलाइटिस हो, तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर देते हैं और बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं और डॉक्सासाइक्लिन है, जो वेबरमाइसिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इसका ताल्लुक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से है, एंटीबायोटिक की टेट्रासाइक्लिन। ये मेडिसिन स्पेशली एक्नी में, फेम्फर्स में और स्किन इन्फेक्शन में मोस्टली यूज किया जाता है। स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, एक्नी होती है, फेम्फर्स होती है, साथ ही गले में जो इन्फेक्शन होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है, ख्वातीन के जो गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मोस्टली इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है और कर रही है। साथ ही इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं ओप्लाक्सिसिन है, जो यूटीआई में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, टाइफाइड पर होती है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो इन्फेक्शन होती है इनके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है। इसके बाद जो एंटीबायोटिक नॉर्प्लाक्सिसिन है, जो मोस्टली यूटीआई में इस्तेमाल किया जाता है, अगर किडनी में जो इन्फेक्शन होती है, यूरेट्रा में जो इन्फेक्शन होती है, या ब्लडर में जो इन्फेक्शन होती है, पेशाब में जलन है, सोजश है, बर्न है, तो इन बर्निंग सेंसेशन को जो पेशाब में होती है, किडनी में होती है, इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है इसकी, इनको खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके बाद जो एंटीबायोटिक है और पावरफुल एंटीबायोटिक है सेपेक्सिम, जो सेपलस्परिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है, सेपलस्परिन ग्रुप के थर्ड जनरेशन से। यह मेडिसिन की खास बात यह है कि प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी के दौरान जो
इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इनको खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन। इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बहुत से मसाइल और बीमारियों में इसका इस्तेमाल है, स्पेशली यूटीआई में, एंटर एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन होते हैं, स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, और टाइटस मीडिया खान में जो इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा और बहुत से यूजेस है इस एंटीबायोटिक की, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और पावरफुल एंटीबायोटिक और प्रेगनेंसी में भी सेफ है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है और सेफोटॉक्सिडेम है, जो लोग सेफेक्सिम से हाइपर सेंसिटिव हो या रेजिस्टेंस हो तो इसके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। ये भी सेफालोस्पोरिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये एंटीबायोटिक। आज मैंने आपको एंटीबायोटिक के मुतालिक जो कुछ बताया, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।